रखिए, मिडिल ईस्ट में फिर से एक बार भीषण जंग की आहट आ रही है और जल्द ही मिडिल ईस्ट का इलाका बारूदी आग से दहक सकता है। वजह है ईरान और इजराइल की तनातनी। इस तनातनी में ईरान अब कुछ ऐसा उसने किया है कि जल्द ही ईरान और इजराइल की सीधी जंग शुरू हो सकती है। ईरान का इजराइल पर ड्रोन अटैक, इजराइल को निशाना बनाकर 50 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए गए। ईरान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल से इजराइल को निशाना बनाया हिजबुल्ला के बाद, अब ईरान ने सीधे इजराइल पर हमला बोला है। ईरान ने अपनी जमीन से करीब 50 से ज्यादा ड्रोन इजराइल पर लॉन्च किए। ईरान के हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स हाई अलर्ट पर है और लगातार हालात की निगरानी कर रही है। इजरायली एयरफोर्स, फाइटर जेट्स और इजरायली नौसेना के जहाजों के साथ ही आईडीएफ ने एरियल डिफेंस एरे को भी हाई अलर्ट पर रखा है। इजरायल अपनी एयर स्पेस के साथ ही नौसैनिक इलाकों में भी निगरानी कर रहा है। इजराइल की सेना अब ईरान पर काउंटर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से ये हमले हुए और उसके बाद अब जो इजराइल है वो हमले का जवाब देने का जो है वो कोशिश कर रहा है। ड्रोन अटैक किए गए, मिसाइल अटैक किए गए, यमन से हमला हुआ, आयरन ड्रोन को एक्टिव किया गया इजराइल की तरफ से। इजरायली आर्मी भी अब एक्टिव हो गई है और काउंटर अटैक की तैयारी अब इजराइल की तरफ से की गई है। तो ये हमले क्यों हुए हैं और आखिरकार जो ईरान का ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन क्या है वो भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, जरा समझिए। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ड्रोन मिसाइल अटैक, पहले राउंड में 50 ड्रोन अटैक, लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी गई है, ईरान यमन की जमीन से हमला हुआ है और दूसरे राउंड के अटैक की तैयारी अब ईरान की तरफ से की जा रही है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस से नाम दिया गया है जिसमें इसराइल पर हमले की तैयारी ईरान की तरफ से और की जा रही है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दे, सिर्फ ईरान ने ही नहीं इसराइल पर अटैक किया है बल्कि इसराइल को चारों तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। यमन से इसराइल पर ड्रोन अटैक हुआ है, यमन के बागियों ने इसराइल पर ड्रोन अटैक किया है, हिजबुल्ला ने इसराइल पर रॉकेट दागे हैं, हिजबुल्ला ने गोलन की पहाड़ियों को निशाना बनाया है। तो देखिए ना सिर्फ ईरान बल्कि चौतरफा हमला इसराइल पर किया जा रहा है। अब इस पूरे तनाव का इसराइल पर क्या असर देखने को मिल रहा है, क्या असर हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। तनाव का क्या असर पड़ा है इसराइल पर, मिस्र एयर स्पेस को बंद कर दिया है, सीरिया एयर स्पेस को बंद कर दिया है, यमन एयर स्पेस को बंद कर दिया है, लेबनान एयर स्पेस को बंद कर दिया है, जॉर्डन के एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है। और देखिए इन सभी जो एयर स्पेस है उन्हें बंद कर दिया गया है। इस तनाव का असर ये देखा जा रहा है जो तमाम मिस्र, सीरिया, यमन, लेबनान, जॉर्डन की बात करें तो इन्होंने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।